एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और बेटा हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होती हैं। हर एक किडनी के अंदर हमें 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलेंगी। हर एक किडनी के अंदर हमें 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलेंगे। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो नेफ्रॉन को दो हिस्सों में बांटा गया है बेटा। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं रीनल कॉर्पसल या मालपीजियन बॉडी, और दूसरा हिस्सा होता है इसका जिसे हम लोग कहते हैं रीनल टिब्यूल। जो रीनल कॉर्पसल या मालपीजियन बॉडी वाला पार्ट है, ये दो चीजों से मिलके बना होता है। इसमें एक तो ग्लोमेरुलस होगा और दूसरा बोमेंस कैप्सूल होगा। उसके अलावा रीनल टिब्यूल के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल आएगी, लूप ऑफ हेनले आता है या हेनलेज लूप कह सकते हो आप, डीसीटी आता है और कलेक्टिंग डक्ट आएंगी। ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे रीनल टिब्यूल के अंदर आते हैं। अब अगर इनके स्ट्रक्चर को बनाया जाए तो ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किडनी में जहां से यूरेटर एंटर करता है वहां से ब्लड वेसल्स भी एंटर करती हैं, जिसमें रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों होती हैं। इसमें रीनल आर्टरी भी होंगे और रीनल वेन भी होंगी। तो आपने जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी थी कि जो आर्टरी होती है वो आर्टरी आगे चल के आर्टेरियोल बनाती है, मतलब जब वो ब्रांच करती है तो आर्टेरियोल बनता है, और आर्टेरियोल फर्दर जब ब्रांच करता है तो वो क्या बना लेती है, कैपिलरीज बना लेती है। तो होता क्या है, जब ये मेन रीनल आर्टरी एंटर कर रही है अंदर, ये रीनल आर्टरी अंदर जा रही है किडनी के, अब ये आर्टरी आगे चल के जब डिवाइड होगी तो उसे क्या कह देंगे हम लोग, आर्टेरियोल। एक बार डिवाइड करी तो आर्टेरियोल, आर्टेरियोल फर्दर डिवाइड करे तो कैपिलरीज, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक नेफ्रॉन के पास, हर एक किडनी में मैंने बताया 1 मिलियन नेफ्रॉन है, हर एक किडनी के पास में आर्टेरियोल पहुंचता है। तो एक आर्टेरियोल आया, मतलब आर्टरी से डिवाइड होके एक छोटी आर्टरी ब्लड वेसल आई। अब वो जो आर्टेरियोल आया वो फर्दर और ज्यादा ब्रांच हो गया, इस तरीके से वो और ज्यादा ब्रांचिंग हो गई उसके अंदर, उस आर्टेरियोल के अंदर बहुत ज्यादा और ब्रांचिंग हो गई इस तरीके से। और ये जो ब्रांचिंग होके बनी, ये सब बन गई क्या, कैपिलरीज। क्या बन गई, कैपिलरीज। तो कैपिलरी का जो ग्रुप है उसी ग्रुप को बेटा हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस। और यहां पे जो आर्टरी लेके आ रही थी ब्लड को उसे हम लोग कह देंगे एफरेंट आर्टेरियोल, उसे हम लोग नाम देंगे एफरेंट आर्टेरियोल। और जो ब्लड को लेके जा रही होगी दूर उसे हम लोग नाम देंगे इफरेंट आर्टेरियोल। और बीच में ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, मतलब एक कैपिलरीज का ग्रुप, इसी को हम नाम देंगे ग्लोमेरुलस, इसी को हम लोग नाम दे देंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों मिलके मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल को बनाएंगे। तो होता क्या है, एक डबल लेयर का कप शेप स्ट्रक्चर, एक डबल लेयर्ड कप शेप स्ट्रक्चर इसको सराउंड करके रखता है। अब दरअसल ये कप शेप बन नहीं पाया, नहीं तो ऐसे होता है, ये इस तरीके से कप शेप होता है और जो ये ब्लड वेसल है ना ये अंदर होती है, ऐसे करके होती है। इसको पूरा घेर के रखता है ये, और डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर पैराइटल लेयर, इनर विसरल लेयर, दो लेयर्स इसके अंदर होती हैं। और इसी कप शेप स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल।
इसी को हम डबल लेयर स्ट्रक्चर को नाम देते हैं बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल। अब अगली बात एक याद रखिएगा कि ये वो हिस्सा होता है, ये दोनों जो मिलके बना हुआ है ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल, जहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, जहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, मतलब कहने का ये है कि जो ब्लड आया तो यहाँ पे ना बेटा कुछ स्लिट पोर्स होती हैं, जिसके थ्रू ये ब्लड पास होके, ये ब्लड पास होके जो भी इसके अंदर इन स्लिट पोर के साइज से छोटी एलिमेंट्स हैं वो यहां से पास हो जाएंगे। जैसे आरबीसी बड़ी होती है, आरबीसी कभी पास नहीं हो सकती, तो आरबीसी का कभी फिल्ट्रेशन नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी का कभी फिल्ट्रेशन नहीं होगा। किस किस चीज का फिल्ट्रेशन हो जाएगा? वाटर का, सॉल्ट्स का, आयंस का, यूरिया का, अमोनिया का, मतलब जितने भी वेस्ट हैं उन सब का यहां से इसके अंदर फिल्ट्रेशन हो जाएगा। उसी चीज को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अब देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या इसके डिटेल है जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा जाएगा, अभी तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी एक बेसिक सी बात बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। अब खैर यहाँ पे फिल्ट्रेट आ जाता है, अब जो फिल्ट्रेट आया बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर मैं फिल्ट्रेट यहाँ पे देखूं पर डे कितना फिल्ट्रेट बनता है, तो पर डे अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर फिल्ट्रेट तैयार होता है हमारी बॉडी में, कितना 180 लीटर। अब आप कहोगे कि सर आप बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रहे हो कि 180 लीटर का फरिश्ता देके गया हमारे अंदर कि 180 लीटर आ गया। बात यह है कि आपका जो ब्लड है वो कई बार सर्कुलेट होके पहुंचता है, बार 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 सर्कुलेट होता रहता, पहुंचता रहता है, मतलब आप ये मान के चलिए आपकी बॉडी का लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड हमेशा किडनी में एट अ टाइम मौजूद होता है। जैसे अभी आप बैठे हो, आपकी किडनी में 1100 से 1200 ml ब्लड आपका अभी भी प्रेजेंट होगा और उसका फिल्ट्रेशन चल रहा होगा, और वो फिल्टर होके आगे पास हो जाएगा, मतलब यहां से आया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, यहां से चला गया। लेकिन अब बात आती है कि इसमें जो फिल्ट्रेट तैयार हुआ बहुत सारे असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी लूज नहीं करना, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज फिल्टर आउट हो जाता है, लेकिन उस ग्लूकोज का यूज तो हमारी बॉडी में, भाई उस ग्लूकोज को यूरिन के फॉर्म में लॉस करके फिर फायदा ही क्या हुआ, आपने फूड खाया, मेरी बात समझ पा रही हो आप? तो आपके जो असेंशियल न्यूट्रिएंट है उन्हें कंजर्व करना है, उसे कंजर्व करना है तो वापस इस फिल्ट्रेट को क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे लिए काम की चीजें हैं उन्हें वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं हम। अब एब्जॉर्प्शन वाला जो काम होता है वो 70% एब्जॉर्प्शन, 70-80% बोल रहा हूं मैं, 70-80% एब्जॉर्प्शन इस पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नाम के हिस्से में हो जाएगा। कैसे होगा? तो ये जो बोमन्स कैप्सूल है ये आगे चल के रीनल ट्यूब्यूल में कंटिन्यू करता है, और जब ये कंटिन्यू करेगा तो इस तरीके से यहां पे कॉन्वोल्यूशंस आएंगे। तो देखो जो हिस्सा बोमन कैप्सूल के पास है, जो हिस्सा बोमन कैप्सूल के पास है और कॉन्वोल्यूटेड भी है उसे हम लोग कह देंगे, जो देखो मैंने पहले भी कभी बताया है कि जैसे ये वाला पार्ट मेरे हाथ का, मतलब जो फिस्ट है वो मेरी बॉडी से दूर है, तो ये डिस्टल एंड है मेरी बॉडी का, डिस्टल पार्ट है ये मेरे हाथ का, और ये वाला हिस्सा मेरी बॉडी से पास है तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। तो बोमन कैप्सूल के पास ये ही है तो प्रॉक्सिमल, कॉन्वोल्यूशंस हो रहे हैं कॉन्वोलेटेड, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल, तो इसे हम लोग कह देंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल नाम का पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट है इसको इंटरनली लाइन करने के लिए, अगर आप क्लास 10th याद करिए अपनी, तो वहां पे माइक्रोविलाई थी, इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ करती थी, माइक्रोविलाई जो फूड को एब्जॉर्ब करती थी, इसी तरीके से यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथीलियम कंटेनिंग ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। मतलब कहने का ये है कि इस तरीके से ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं
अंदर की तरफ और उन ब्रश वाटर सेल्स, जैसे ये ब्रश वाटर सेल है और उसके ऊपर छोटी 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 माइक्रोवेलाई ऐसे लगी हुई है और फाइनर माइक्रोवेलाई लगी हुई है, तो ये बेसिकली क्या करती हैं, यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन करने का काम करेंगी और ये बहुत ज्यादा रिचली प्रेजेंट होती हैं सेल्स किसके अंदर, पीसीटी वाले हिस्से के अंदर। क्लियर है मेरी बात आपको सभी को? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये मैं लिख दे रहा हूं इन्हें कि ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम है जो कंटेन करके चल रहा है ब्रश बॉर्डर सेल्स जिसके ऊपर माइक्रोविलाई होती हैं, और ये सबसे ज्यादा न्यूमरस पीसीटी में ही है। क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आपके फिल्ट्रेट जो यहां पे आया था, इस फिल्ट्रेट का 70-80% रीअब्सॉर्प्शन जो होगा वो पीसीटी वाले हिस्से में या प्रॉक्सिमल कॉन्यूलेटेड ट्यूब्यूल में हो जाएगा। ठीक है जी, मेरी बात सभी को क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होता है, ये पीसीटी आगे चल के कंटिन्यू करती है एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर या यू शेप स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम लोग हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब ये जो हेनलेज लूप होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हेनलेज लूप होता है, ये हेनलेज लूप क्या करेगा, कैसे करेगा, तो आइए उसे जान लेते हैं। तो जब ये हेनले लूप आगे ये पीसीटी कंटिन्यू करती है, तो आगे चल के ना इसका जो लिंब है ये आर्म थोड़ी सी थिन हो जाती है, पतली हो जाती है ऐसे, और फिर ये इस तरीके से हेयर पिन लाइक या यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है, और फिर से ये ऐसे करके थिक हो जाती है, ऐसे करके थिक हो जाती है। तो यहां पे जो नीचे की तरफ आ रहा है, जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले। मतलब ये जो पूरा हिस्सा है यू शेप वाला, ये तो लूप ऑफ हेनले का है, लूप ऑफ हेनले का है या हेनलेज लूप का है। लेकिन इस हेनलेज लूप में जो नीचे आया वो डिसेंडिंग, जो ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो यहां पे जो नीचे की तरफ आया उसे तो मैंने कह दिया डिसेंडिंग है, तो ये वाली जो नीचे है ये डिसेंडिंग है और जो ऊपर जा रही है वो असेंड कर रही है। तो इसमें भी दो पार्ट बांट दे रहा हूं कि भाई ये जो है ये थिक सेगमेंट है और ये थिन सेगमेंट है, और ये दोनों सेगमेंट किसके हैं, ये दोनों सेगमेंट डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनले लूप के हैं। क्लियर है मेरी बात? अब दूसरा सिमिलरली यहां पे देखें तो ये थिन सेगमेंट है जी, ये थिन सेगमेंट है और ये थिक सेगमेंट है, ये थिक सेगमेंट है, और ये दोनों थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट किसके हैं, असेंडिंग आर्म, असेंडिंग आर्म ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, ये असेंडिंग आर्म ऑफ हेनलेज लूप की है। अब ये आगे चल के फिर से कॉन्वोल्यूशंस करेगा, जैसे यहां पे कॉन्वोल्यूशंस हो रहे थे, फिर से इसमें कॉन्वोल्यूशंस होंगे। तो जब ये दोबारा कॉन्वोल्यूशंस करेगा तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम दे देंगे इसे, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। मतलब देखो, ओरिजिनल ट्यूब्यूल का वो हिस्सा जो वुमेन्स कैप्सूल से या मालपिजियन कॉर्पसेल से दूर था, तो डिस्टल था, कॉन्वोलेटेड था, तो कॉन्वोल्यूशंस इसके अंदर है ही है, तो ये हो जाएगा फिर से क्या, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जिस तरीके से ब्रश वाटर सेल्स पीसीटी वाले पार्ट में लगी हुई थी, उसी तरीके से कुछ ब्रश वाटर सेल्स डीसीटी के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। डीसीटी भी इंटरनली लाइन होता है ब्रश बॉर्डर सेल्स से, यहां पे भी होगा। ठीक है, यहां पे भी ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं, यहां पे भी ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं, जिनके पास में माइक्रोविलाई होगी, जिनके पास में माइक्रोविलाई होती है। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो डीसीटी है ये आगे चल के मर्ज कर जाती है इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, तो यहां पे ये आई आगे और ये आके मर्ज कर गई कलेक्टिंग डक्ट के अंदर।
ये आके मर्ज करके किसमें, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये जो आके मर्ज करिए जिस हिस्से को मैं नाम दे रहा हूँ कलेक्टिंग डक्ट। अब इस कलेक्टिंग डक्ट के भी दो पार्ट हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो अब इस डायग्राम को मैं बिल्कुल प्रिसाइज और छोटा कर दे रहा हूँ, और इस डायग्राम को इस डायग्राम से आप कंपेयर करिएगा। ये आपकी किडनी है, किडनी में होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें दो हिस्से होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो सपोज करो ये वाला हिस्सा बोमन्स कैप्सूल, ये पीसीटी, फिर हेनलेज लूप जो डिप हो गया आके मेडुला में। तो देखो बोमन कैप्सूल कॉर्टेक्स में, पीसीटी कॉर्टेक्स में है, हेनले लूप डिप कर गया किसमें, मेडुला में, वापस घूम के, केवल हेनले लूप ही तो था जो मेडुला में, वापस डीसीटी कॉर्टेक्स में, कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स में भी होगी और मेडुला में भी होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो, मतलब कहने का ये है कि अगर आप देखें तो इसमें से जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो बाहर की तरफ होगा, कॉर्टेक्स में होगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये मेडुला में होगा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम लोग नाम दे देंगे कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, और इसे हम लोग नाम दे देंगे मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है मेरी बात, पक्का? चलिए यहां तक की तो बात आपको समझ में आ गई, अब आगे की बात समझिए। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल आके चल के क्या करता है, इस पूरे हिस्से के चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेता है। अब वो नेटवर्क क्यों बनाया जा रहा है, देखो ये जो ब्रश वाटर सेल्स हैं ये अब्सॉर्प्शन करके कहां भेजेंगी, ब्लड वेसल के अंदर, मतलब जिस जगह से, देखो ब्लड से ही तो वो चीज लॉस हुई थी, वापस उसे कहां भेजना जाना चाहिए, ब्लड के अंदर। तो जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल यहां पे बनता है उसे हम लोग नाम देते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या नाम देंगे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये वापस इस तरीके से घूम जाती है, और घूमने के बाद में इसका पूरा एक नेटवर्क जो है इसके आसपास बन जाता है। और नेटवर्क में कैसे, ये चारों तरफ से इसको ऐसे करके सराउंड करके रखेगी, ठीक है, इसको पूरा सराउंड करके रखेगी, पूरा सराउंड करके रखेगी, पूरा सराउंड करके रखेगी, पूरा सराउंड करके रखेगी, ऐसे करके घेर के रखने का काम करेगी, ठीक है, घेर के रखने का काम करेगी, ऐसे चारों तरफ से इसको घेर के रखेगी। तो ये जो पूरा एक नेटवर्क बना है इन्हें हम लोग कह देंगे क्या, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नाम दे देंगे, इन्हें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कह देंगे। और इन्हीं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में एक यू शेप स्ट्रक्चर बनेगा जो इसके हेनले लूप के पैरेलल होगा, उसे हम लोग वासा रेक्टा कहेंगे, वासा रेक्टा, मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का ही वो ब्लड वेसल का सेगमेंट जो पैरेलल प्रेजेंट होगा किसके, हेनलेज लूप के, उसे हम लोग वासा रेक्टा नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो ये पार्ट बन गया, ये जो पार्ट बन गया, इसे मैं कह रहा हूं कि ये तो पूरी की पूरी नेटवर्क है जिसे मैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कह रहा हूं, जिसे मैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कह रहा हूं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कह रहा हूं। और यहां पे जो ये यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है नीचे की तरफ, उसे मैं वासा रेक्टा कह रहा हूं, उसे मैं वासा रेक्टा कह रहा हूं। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एक नेटवर्क है और उसी का एक हिस्सा है वासा रेक्टा, बस ये चीज याद रखिएगा। तो ये एक आपकी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था जो आपको समझना था। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया हुआ है, नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, मतलब दो पार्ट्स में बांटा हुआ या दो टाइप्स में बांटा हुआ, ये ज्यादा बेहतर है। तो टाइप ऑफ नेफ्रॉन अगला टॉपिक है हमारा, आइए जान लेते हैं कि टाइप ऑफ नेफ्रॉन क्या होती है। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, तो हमने क्या किया हुआ है, दो तरीके की नेफ्रॉन्स बांटी हुई है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इन दोनों नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये होती हैं, जैसे किडनी है, किडनी की जगह आम बन गया,
आम नहीं बनाना था, बनाने किडनी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये मेडुला, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला, ये कॉर्टेक्स। अब सपोज करो कोई नेफ्रॉन है जिसका बोमन कैप्सूल आउटर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स में मौजूद हो, पीसीटी पूरी कॉर्टेक्स वाले रीजन में हो, और एक छोटा सा लूप ऑफ हेनले मेडुला में आए और वापस घूम के चला जाए डीसीटी के अंदर, ठीक है, ऐसे और ऐसे। मैंने बताया कि ये किडनी है, किडनी में एक बहुत छोटा सा पार्ट लूप ऑफ हेनले का मेडुला के अंदर मौजूद हो, बाकी सारा का सारा पोर्शन देखो, वोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और ये सारी चीजें कहाँ पे हो, कॉर्टेक्स में हो, कॉर्टेक्स में भी आउटर मार्जिन पे मौजूद हो, बाहर की तरफ मौजूद हो, उन्हें हम लोग कह देंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब यहाँ पे दूसरी वाली जक्स्टा मेडुलरी, तो देखो जक्स्टा का मतलब होता है जंक्शन, जंक्शन का कैसे, देखो यहां पे ये इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स पे, तो इनका बोमन कैप्सूल नहीं, ऐसे लिख, ऐसे बनाइएगा, बोमन कैप्सूल, यहां पे पीसीटी और बड़ा सा लूप ऑफ हेनले डिप करेगा मेडुला के अंदर और वापस घूम के ये वापस चला जाए उसमें कॉर्टेक्स में। तो ये जो नेफ्रॉन थी ये इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स में मौजूद थी और अ वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला। वहां पे देखिए, वहां पे स्मॉल सेगमेंट था लूप ऑफ हेनले का जो मेडुला में डिप कर रहा था, यहाँ पे बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसे हम लोग नाम दे देंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और दूसरा, इसमें याद रखिएगा हमारे अंदर 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल है और 15% नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ठीक है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस तो ये आया कि एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले डिप इनटू मेडुला और इनके पास में वासा रेक्टा नहीं होती, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होंगी, वासा रेक्टा या तो बहुत हाईली रिड्यूस होगी या एब्सेंट ही होगी, इनके पास में वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस होगी या एब्सेंट होगी। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो बोमन कैप्सूल, या ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखेगा, नेफ्रॉन प्रेजेंट ऑन इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स एंड अ वेरी लॉन्ग हेनले लूप डिप इनटू मेडुला एंड इनके पास में वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है, इनके पास में वासा रेक्टा प्रेजेंट होगी। मेरी बात सभी को क्लियर है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया क्या होता है। चलिए, अब होता क्या है, कुछ स्पेशल सेगमेंट्स भी होते हैं। अब मैं कुछ स्पेशलाइज्ड या स्पेशल पार्ट के बारे में बात करने वाला हूं। अब ये जो स्पेशलाइज्ड पार्ट है नेफ्रॉन के, ये कौन कौन से हैं और क्या करते हैं, क्या काम होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहला जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है जीजी सेल या जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। दूसरे टाइप की जो सेल होती हैं उन्हें मैं कह रहा हूं मैक्यूला डेंसा,
दोनों के बारे में ध्यान से सुनिएगा, दोनों क्या होती हैं, कहां होती हैं और क्या करने का काम करती है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये ग्लोमेरुलाई और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। यहां पे कुछ स्पेशलिस्ट सेल होती हैं और उन स्मूथ मसल सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं और उन ग्रेन्यूल के अंदर रेनिन नाम का एक कंपाउंड या केमिकल फिल्ड होता है और यही सेल हमारी जेजी सेल कहलाती है। अब इनका काम क्या होता है, तो ये जेजी सेल एक्ट करती हैं मैकेनो रिसेप्टर के तौर पे। मैकेनो रिसेप्टर का मतलब ये है कि जो ब्लड अंदर फ्लो करता हुआ जा रहा है उस ब्लड के प्रेशर को ये सेंस करने का काम करती है। ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को सेंस करती है और अगर ये पाती है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो है तो ऐसी कंडीशन में ये जेजी सेल्स, ब्लड प्रेशर लो होने की कंडीशन में ये जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और एक्टिवेट होने के बाद में, अच्छा ऑब्वियस सी बात है ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उस पर्सन का ब्लड वॉल्यूम भी कम हो रहा होगा। क्लियर है मेरी बात आपको? तो इस चीज को इन मैकेनो रिसेप्टर्स ने, मतलब जो जेजी सेल्स के लगे हुए थे, इन्होंने सेंस किया और ये जेजी सेल्स एक्टिवेट हो गई और अपने ग्रेन्यूल से ये रेनिन को रिलीज करवा देंगी। ये अपने ग्रेन्यूल से जेजी सेल रेनिन को रिलीज करवा देंगी। अब ये रेनिन जाके आगे क्या करेगा, तो इसका मैकेनिज्म समझिएगा। ये रेनिन आगे चल के एक एंजियोटेंसिनोजन नाम का कंपाउंड होता है, उस एंजियोटेंसिनोजन को ये रेनिन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, इसे कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। ये काम रेनिन ने किया है और एंजियोटेंसिन 1 को एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, ये इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है और एंजियोटेंसिन 2 बनने के बाद में दो काम करेगा ये एंजियोटेंसिन 2। सबसे पहला ये काम करेगा क्या कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड और उस एड्रिनल ग्लैंड के भी दो हिस्से होते हैं, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट को स्टिमुलेट करके वहां से एल्डोस्टेरोन नाम के एक हार्मोन को रिलीज करवाएगा और ये एल्डोस्टेरोन जाके कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कराना शुरू कर देगा, ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन करवाना शुरू कर देगा डीसीटी वाले पार्ट से। अब ये कहोगे ये क्या है, तो बेटा देखो जब मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया तो मैंने बताया था कि ज्यादातर रीअब्सॉर्प्शन कौन करता है, डीसीटी करता है। डीसीटी नॉर्मल कंडीशन में कभी भी रीअब्सॉर्प्शन नहीं करता, मतलब अभी आप नॉर्मल स्टेट में हो तो डीसीटी कोई रोल नहीं प्ले करेगा, लेकिन हाँ आपकी बॉडी के अंदर किसी तरीके का स्ट्रेस हो, वाटर स्ट्रेस हो या आप पानी ना पियो तो डीसीटी वाला पार्ट रीअब्सॉर्प्शन करता है और वो ऐसे रीअब्सॉर्प्शन नहीं करता, उसको कहीं ना कहीं से स्टिमुलस मिलना चाहिए, या तो एंटी डायरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा, वो उससे जाके बोलेगा कि भाई तू रीअब्सॉर्प्शन कर, या दूसरी कंडीशन में ये एल्डोस्टेरोन जो किसने रिलीज करवाया, एड्रिनल कॉर्टेक्स ने, एड्रिनल एक ग्लैंड थी उसके कॉर्टेक्स वाले हिस्से से रिलीज हुआ। अब बात यह है कि आपने देखा होगा जिस दिन आप बहुत कम पानी पियो तो नॉर्मली जो यूरिन होता है आपका वो उतनी क्वांटिटी में रिलीज नहीं होगा जितना वो होना चाहिए था और वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और वाटर कम हो जाता है। मतलब आप इस बात को ऐसे समझिए, इस बात को आप ऐसे समझिए, पहले जब आप नॉर्मल स्टेटमेंट थे, जब आपका ब्लड वॉल्यूम ठीक ठाक था, जब आप बराबर पानी पी रहे थे, तो उस टाइम पे इसको ऐसे समझिए
कि पहले 1 लीटर वाटर था उसमें आपने 300 ग्राम सॉल्ट ऐड किया हुआ था, ठीक है। और अगर यहीं पे ऐसा हो जाए कि 700 ml वाटर हो जाए और उसमें 300 ग्राम सॉल्ट ही प्रेजेंट हो, तो इसमें से सॉल्यूट कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा होगा? इधर वाले में, मतलब वाटर कम है सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जिस जगह सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां की ऑस्मोलैरिटी भी ज्यादा होती है। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो ये क्या करेंगे, ये जब पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे तो कम वाटर बचेगा जो यूरिन की फॉर्मेशन करवाएगा, लेकिन जो फिल्टर आउट हुआ है वेस्ट वो तो उतना का उतना ही है, इसलिए यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है। क्लियर हो रही है? और उस इस डीसीटी वाले पार्ट का काम है क्या करना, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन करना। कंडीशनल मतलब केवल स्पेशल कंडीशन में ही यह काम करेगा, जब वाटर का स्ट्रेस होगा तभी एक्टिवेट होके वाटर को रीअब्सॉर्ब करता, नॉर्मली ये कुछ नहीं करता। बस जब इसको जरूरत है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, तो डीसीटी वाला पार्ट काम करेगा। तो यहां पे भी ये क्या करवाता है, ये एल्डोस्टेरोन जाके डीसीटी वाले पार्ट से कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन को कराएगा। अब सपोज करो डीसीटी वाला पार्ट पानी को और एब्जॉर्ब कर ले, तो वो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जाएगा कहां, ब्लड के अंदर ही, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में तो भेजा जाएगा। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या लेके चलनी है, ब्लड को। तो ब्लड वॉल्यूम जो पहले घट रहा था अब ये एब्जॉर्प्शन करेगा तो उससे ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसने एल्डोस्टेरोन से करवा के ब्लड वॉल्यूम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ गया, एक टास्क तो पूरी हो गई। दूसरी टास्क थी ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, जो ब्लड प्रेशर कभी घट रहा था उसको भी तो बढ़ाना है हमें। तो उस ब्लड प्रेशर के लिए ये एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना शुरू कर देता है। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो ब्लड वेसल होंगी, जो ब्लड वेसल होंगी उन ब्लड वेसल का जो ल्यूमन था उसको ये नैरो कर देगा, छोटा कर देगा। तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि आप गार्डनिंग वाले पाइप को आगे से मुंह दबा दीजिए उस पाइप का, तो जो पानी पहले गिर रहा होगा वो फास्ट गिरने लग जाता है, मतलब एक जगह से पानी निकल रहा है, और आप उसके ल्यूमन को थोड़ा छोटा कर दीजिए तो जो पानी पहले से आ रहा है वो और फास्टली गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो ऐसे ही यहां से जो ब्लड फ्लो हो रहा था अगर इसको मैंने छोटा कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और देखो ये दोनों काम हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ गया। ये काम रेनिन ने करवाया, और रेनिन को किसने रिलीज करा, जेजी सेल्स ने रिलीज करा। तो एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है जेजी सेल्स जो यहाँ पे क्या करती है, इस पूरी टास्क को करने का काम करती है, और इसी को हम लोग रास मैकेनिज्म भी कहते हैं। रास मैकेनिज्म का मतलब है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है जो आपके नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। और सिमिलरली मैकुला डेंसा ऑस्मो रिसेप्टर का काम करता है। अब ये मैकुला डेंसा कहां प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने आपको जो डायग्राम बताया था उसी डायग्राम में हल्की सी मॉडिफिकेशन करूंगा मैं। मैंने आपको इस तरीके से डायग्राम बताया था, मैंने इस तरीके से डायग्राम बताया था, मैंने क्या दिखाया था कि भाई जो डीसीटी थी वो सीधा जाके कलेक्टिंग डक्ट में मर्ज कर गई थी। लेकिन अब की बार मैं थोड़ा सा बदलाव ये ला रहा हूं कि जो ये डीसीटी वाला पोर्शन होगा, ये डीसीटी वाला पोर्शन दोबारा घूम के यहां पे आता है बेटा, इधर आएगा इधर वाले हिस्से के पास, यहां पे ऐसे घूम के फिर वापस कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ऐसे होता है, ये डीसीटी वाला पोर्शन वापस घूम के ग्लोमेरुलस के पास आएगा और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके मर्ज करता है। अब ये जो यहाँ पे पार्ट पहुंचा है, यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं और इन्हीं सेल्स को हम लोग मैक्यूला डेंसा कहते हैं। इन्हीं सेल्स को क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा कहते हैं। अब ये मैक्यूला डेंसा क्या करती हैं, ये सेल्स यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड फिल्टर हो रहा है या ब्लड जा रहा है उस ब्लड के अंदर ऑस्मोलैरिटी को सेंस करने का काम करती है, ऑस्मो रिसेप्टर का काम करती है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है कि ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर 1 लीटर आप वाटर ले रहे हो और उसमें 300 ग्राम सॉल्ट या आयन ऐड कर दो, और ये एक तरफ आप 700 ml वाटर ले लो और उसके अंदर 300 ग्राम कर लो, तो ऑस्मोलैरिटी किसकी ज्यादा हो गई, इसकी ज्यादा हो गई। ऑस्मोलैरिटी ज्यादा क्यों हुई है, ऑस्मोलैरिटी पानी की कमी होने के कारण हुई है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यही काम ये मैकुला डेंसा करते हैं, चेक करना कि ऑस्मोलैरिटी ज्यादा घट बढ़ तो नहीं रही। अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है तो ऐसी कंडीशन में
ये मैकुला डेंसा हाइपोथैलेमस को मैसेज करेंगी। हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है दो, एक हार्मोन तो होता है वैसोप्रेसिन जिसका दूसरा नाम है एंटी डायुरेटिक हार्मोन, और एक और हार्मोन जो हाइपोथैलेमस खुद रिलीज करता है बना के उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसका रोल भी पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एक चैप्टर उसमें पढ़ाया जाएगा। और ऑक्सीटोसिन दूसरा काम एक और करता है मिल्क इजेक्शन करने का, जब लैक्टेशन होता है तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन है, तो बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल ना तो बर्थ करवाना है और ना ही यहाँ पे मिल्क इजेक्शन करवाना है, यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, तो उसमें यूज होगा किसका, एंटी डायुरेटिक हार्मोन का या वैसोप्रेसिन का। तो ये मैक्यूला डेंसा क्या करता है, ये मैक्यूला डेंसा हाइपोथैलेमस को मैसेज कर देगा, और हाइपोथैलेमस दो हार्मोन रिलीज करेगा जिसमें से एक हार्मोन होता है आपका, जिसे मैंने नाम दिया है वैसोप्रेसिन या एंटी डायुरेटिक हार्मोन या ADH, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये जो एंटी डायुरेटिक हार्मोन है या ADH है, देखो दो दो टर्म है, एक टर्म सुनिएगा डायुरेसिस। डायुरेसिस का मतलब जानते हो आप लोग, ज्यादा यूरिन बनने को डायुरेसिस कहते हैं, जैसे चाय कॉफी बियर ये डायुरेटिक एजेंट माने जाते हैं। कहते नहीं है कि भाई जिनको स्टोन है वो लोग वो बियर का कंजप्शन करो, अरे कहते हैं वो लोग बियर का कंजप्शन करो, तो ऐसे नहीं कहते कि बियर का कंजप्शन करो कि उसे मजे दिलवाने हैं। बियर का कंजप्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो क्या करवाएगा, उसके अंदर डायुरेसिस करवाएगा, तो उसके अंदर जब ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा तो मतलब मानना यह है कि वो स्टोन ज्यादा यूरिन के फ्लो के साथ निकल जाएगा, इसलिए वो कहते हैं बियर का कंजप्शन करने के लिए, और कोई मकसद नहीं होता।